गाइस अभी है 1 अक्टूबर और मैं फ्लाई करने वाली हूँ लेह के लिए, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू विजिट लेह। तो मैं चाहूँगी कि ये व्लॉग आप लोग देखो, इसमें सारी ही चीज़ें मैं इसमें शो करूँगी आपको। सो सब लोग बोलते हैं ना कि लेह सबका ड्रीम प्लेस है, तो मेरा भी है, मैं विजिट कर रही हूँ, मुझे देखना है, सिर्फ घूमना है। दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने का मज़ा बहुत अलग है, सच में बहुत अलग है। मैं इसीलिए जा रही हूँ कि सब फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं मस्ती करने के लिए, तो प्लीज़ आप भी अकेले मत जाना, ग्रुप में जाना, क्योंकि मस्ती करने का मज़ा ग्रुप में ही आता है रियली। बट मैं ये व्लॉग सिर्फ आप लोगों के लिए बनाऊँगी कि आपको नॉलेज मिले, आपको देखने के लिए मिले कि लेह में क्या क्या है देखने के लिए। तो प्लीज़ मस्ट वॉच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दिल्ली मेट्रो, यहाँ से हम पहुँच चुके हैं कश्मीरी गेट, हम जा रहे हैं। Oh,
अच्छा व्यू है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सच में। इतना अच्छा व्यू सच में नहीं देखने के लिए मिलेगा। मैं तो आप सबको रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ ले ज़रूर विज़िट करो आप लोग, जन्नत है भाई जन्नत। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा स्पेस है। अभी वेदर भी यहाँ पे 19 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ठंडा नहीं है। देखो मैं टी शर्ट्स में घूम रही हूँ अभी, तो बहुत अच्छा व्यू है, मज़ा आ रहा है। पहाड़ देखो यार, बर्फ से ढके हुए हैं यार, बहुत मजा आ रहा है। वादियाँ वादियाँ दिख रही है, बहुत अच्छी अच्छी बर्फ से ढकी हुई है यार। व्यूज देखो बहुत अच्छा है, और सामने देखो। बस अभी हम लोग एयरपोर्ट के पास एक कैंटीन है, आर्मी एरिया है, जस्ट वहाँ पे एक कैंटीन है प्योर वेज, वहाँ पे हम लोग आए हैं। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट तो बनता है यार, सुबह से वेट कर रहे हैं, तो मिलता है थोड़ा सा व्यूज़ दिखाएंगे आपको। और भी वो कैंटीन जिसके बारे में मैंने अभी आपको जस्ट शेयर किया, तो यहाँ पे जस्ट खाने के लिए मैंने लिया है डोसा। देखो यार यम्मी है, तो खाते हैं डोसा फिर मिलते हैं आपसे। अभी हम जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम, सारी अंदर की जो चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी, आप देखना इस वीडियो। जहाँ पर गाड़ी खुद से ही चल पड़ती है रोकने के बाद, तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, आप देखो बहुत मजा आएगा। यहाँ पर ये वाली बाइक भी है, आप इसे चला सकते हो। 1200 पर पर्सन लोग चार्ज करते हैं, तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है मैं यहीं रह जाऊं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इस व्यू को देखकर। बहुत ही शांति, बहुत ही अच्छा व्यू, आपको भी अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ साथ, मुझे तो बहुत अच्छा लग। तो दो नदियां यहाँ पे एक साथ मिल रही है, पहली है सिंधु नदी जो राइट में आपको दिख रही है, वो आ रही है चाइना से, और लेफ्ट में जो आपको दिख रही है वो है संस्कार, जिसको बोलते हैं संस्कार रिवर। तो बहुत ही अच्छा व्यू है, दोनों मिलके बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आपको दे रहे हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, इतना आलीशान कभी भी फील नहीं किया है, बहुत मज़ा आ रहा है।
की जगह है। आप लोग देखना, व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। चलते चलते मज़ा आ रहा है, रोड पे चलने का मज़ा भी अलग है। बाइक पीछे से आ रही है, तब तक मैंने सोचा चलते चलते आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लूँ। बहुत ठंडा है यहाँ पे, समुद्र से 18,300 कुछ फीट है ये लद्दाख का हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ, और बहुत ठंडा है यहाँ पे। प्लीज आप लोग पैक शेयर होके आना, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। माइलस्टोन है, बर्फ है, देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। होट भी नहीं चल रहे, ठंड लग रही है बहुत तेज। कॉफी पी थी वो भी 2 मिनट में ठंडी हो गई, बहुत ठंडा है यार। बर्फ ही बर्फ दिख रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा स्टेप्स चल के दिखाती हूँ मैं। आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। बहुत ठंडा है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग ज़रूर आना मज़े करने के लिए। बर्फ भी देख लो यार, मैं जाऊँगी नहीं पर मैं आपको दिखा दूँ ये नहीं। देख लो यार, बहुत सारी बर्फ है, मज़ा आ रहा है। आप भी आना सब लोग मज़े करने के लिए, बहुत ठंडा है, ठंड का मज़ा लेना है तो ज़रूर आ जाना। पैक शैक होके आना ऐसे। माइनस टेम्परेचर है, -4, बहुत ठंडा है यहाँ पे, बहुत ठंड लग रही है। इतने सारे कपड़े पहन के भी जब ठंड लगी है तो सोच लो कब आना चाहिए। आप लोग आ सकते हो बट बहुत ठंडा है, बर्फ पड़ रही थी अभी थोड़ी देर पहले तक, ऐसा माहौल हो रहा है। ठंड लग रही है, डांस करो ठंड में, ठंड में डांस करो, गर्मी आनी चाहिए। बहुत ठंडा है सच में यार, फट रही है। गाइस बहुत ठंडा है, देख लो मैंने तो कैप भी लगाई हुई है और हेलमेट भी लगाया ऊपर से। बहुत ठंडा है यहाँ पे, मजा आ रहा है कसम से। ठंडा व्यू व्यू देखते रहो आप साथ साथ मेरे, बैक साइड पे देखते रहो अपने बाइक पे। बट जैसे ही यहाँ आए हैं खरदुंगला तो -2 है भाई, बहुत गजब है। व्यू अच्छा है, ठंडा है, पैक शेक होके आओ और पैक शेक लगा भी लेना, ठीक है। गाइस मैं थोड़ा सा पैदल चल रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर सकूँ। व्यू बहुत अच्छा है, सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यार क्योंकि ना बहुत हाइट पे है। तो भी प्लीज़ पैक शेक होके आना, मज़ा बहुत आ रहा है लाइफ का। बट जिंदगी जीने के लिए यार कुछ तो सही है। देखो सारी चीज़ें बेस्ट है,
अच्छा वेदर सब लोग बोलते हैं जून जुलाई में, मुझे तो अक्टूबर अच्छा लग गया। 2 अक्टूबर है, मैं लद्दाख में हूँ, मज़ा आ रहा है कसम से। बट ठंडा है यार पेक्षक हो गया ना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आप सबको, मज़ा बहुत आ रहा है। थैंक यू। अभी रास्ते में आते आते बाइक हुई स्लिप, बहुत जोरों की लगी है भाई, चश्मा वश्मा सब टूट गया, इसलिए देख लो सन आइस भी नहीं खुल रही है, बहुत तेज स्लिप हुई, बहुत तेज लगी हमको। अभी दिखाऊंगी मैं आपको कैसे सब कुछ टूट गया, बट बच गए, ज़्यादा नहीं लगी, सेफ्टी से राइड करना प्लीज। ये चश्मा था जो मैं भी बोल रही थी गिरते हुए टूटा, लेंस वेंस सब अलग हो गए, मज़ा आया तोड़ के हमको। ये टाइम में बैठ के चाय हो जाए, चाय दिखाऊंगी मैं आप सबको, तो हम पहुंच गए हैं, मज़ा आ रहा है, उधारी का चश्मा पहन के मज़ा आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, थोड़ा सा टेम्परेचर अच्छा है, ठंडा नहीं है, सुबह तो बहुत ठंड लग रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा है। सारे व्यूज है यहाँ पे, राइट लेफ्ट अपने आगे पीछे सब जगह देखो, बहुत अच्छे व्यूज़ है, पूरा लेह लद्दाख आपको दिखेगा व्यूज़ पे। और ये है शांति स्तूपा, ये भी बहुत अच्छा है। बाकी की जो पिक्चर्स क्लिक करेंगे वो हम आपको शेयर करेंगे इस ब्लॉग में। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, तो साथ साथ चलते रहो मेरे और देखते रहो। ठंडी वाले कपड़े भी हैं और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं, आप किसी को बहुत सारी अच्छी मजा आता है ऐसी जगह में आने के बाद, तो एंजॉय करो मेरे साथ पूरा।